मैं विजय कुमार आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ग्रोइंग माइंड्स के क्लास टेंथ के चैप्टर फर्स्ट, जो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी, और ये वीडियो इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप जैसा देख सकते हैं कि पहला इमेज से ये स्टार्टिंग होती है, और ये जो पेंटिंग है ये फेडरिक सोरियो की है, और ये पेंटिंग बनाई गई थी 1848 में, और ये एनटीएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि हु वाज फेडरिक सोरियो। फेडरिक सोरियो इज़ एन आर्टिस्ट, एन फ्रेंच आर्टिस्ट, और इसकी पेंटिंग की नाम क्या थी, तो इसकी पेंटिंग की नाम बताई जाए ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। अब ये सीरीज़ ऑफ पेंटिंग है जो फोर प्रिंटिंग है विजुअलाइजेशन जो ड्रीम किया गया है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वर्ल्ड मेड ऑफ। अब वर्ल्ड किस तरह से बन रहा था, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड किस तरह से बन रही थी और सोशल रिपब्लिक किस तरह से बन रही थी, तो पहला प्रिंट है, ठीक है। अब इस प्रिंट में आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें बताया गया है, तो इस प्रिंट में एक फीमेल फिगर, यहाँ फीमेल फिगर दिखाया गया है, इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट दिखाई गई है और एक हाथ में चार्टर दिखाई गई है। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ज्ञान की मशाल, नॉलेज ऑफ लाइट, और दूसरे हाथ में चार्टर है, इसका मतलब होता है लॉ बुक। अब यहाँ इस फीमेल फिगर को, फीमेल फिगर से जो जो कंट्री यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, वो सभी कंट्री जो पास आउट हो गए हैं वो नेशनल स्टेट बन चुके हैं, नेशन स्टेट बन चुके हैं। जो पास आउट अभी भी लाइन में है, कतार में है, इसका मतलब है कि वहाँ अभी भी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। नेशन स्टेट का मतलब था कि अभी अभी जो नेशन है, जो भी राष्ट्र है या फिर जो भी कंट्री है, उसको अभी इंडिपेंडेंस वो हो चुकी है, ठीक है। मॉडर्न स्टेट का मतलब है कि उसको सेंट्रलाइज्ड पावर मिल चुकी है, इट मींस वहाँ पर रूल, रेगुलेशन, जस्टिस, पार्लियामेंट, जो हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्रीज वगैरह, ये सब चीज़ बन चुकी है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट में। यहाँ आप देख सकते हो कि जितने भी लोग हैं, जो पीपल की आप फिगर देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये लोग फ्लैग को लेके चल रहे हैं, और यहाँ हम कंट्री को आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं, उसके फ्लैग से, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो नेशन स्टेट बन चुकी है और कौन सी कंट्री नेशन स्टेट बनने वाली है, ठीक है। इसके बाद आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस फिगर में, आप ऊपर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो जीसस क्राइस्ट हैं और भी बहुत सारे जो भी देवी देवता हैं, एंजल्स हैं, ये सभी के सभी ऊपर से देख रहे हैं और अपना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, नेशन स्टेट्स बनने की खुशी में, ठीक है। तो ये था आपका दोस्तों ये पूरा का पूरा सेक्शन, ठीक है। अब आते हैं न्यू वर्ड्स, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्लास टेंथ और एनटीएससी दोनों के लिए। सबसे पहला दिया है एब्सोल्यूटिस्ट, तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है ऑल पावर्स बिलोंग्स टू अ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ इसी को लिखा है लिटरली अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल डैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट। नो रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगा सके, ठीक है, उसके पावर के एक्सरसाइज करने को, ठीक है। और उसके बाद ये पावर एक्सरसाइज वो करता किससे है, ठीक है, तो वो सेंट्रलाइज हो सकती है, मिलिट्रलाइज हो सकती है और रिप्रेसिव हो सकती है, ये सारा का सारा। अब आप फर्ज़ करो कि अगर आप किंग हो, ठीक है, तो आप किसी को भी फांसी पर चढ़ा सकते हो, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही आज के टाइम में अगर देखो किसी को बोलो कि हाँ इसको पकड़ो और फांसी पर चढ़ा सको, तो वो क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन क्या भाई क्यों करा दे, क्योंकि जो भी पर्सन बोलेगा उसके पास ये सारे पावर नहीं होंगे, मिलिट्री के पावर नहीं होंगे, सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं होगा, ठीक है। और यूरोपियन जो थी वो एक थॉट प्रोसेस थी फेडरिक सोरियो की, फेडरिक सोरियो के थ्रू यही हम लोग फेडरिक सोरियो का सपना ही देख रहे हैं। तो यूरोपियन जो है वो एक ऐसी आइडियल सोसाइटी बनाने के बारे में है, जो जैसा कि हमारे राम राज में था, सबको इक्वालिटी मिले, सब लोग इक्वल हो सकें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि फिगर के अनुसार सबसे पहले लिबर्टी किसको मिली, तो सबसे पहले लिबर्टी यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट को, जस्ट उसके पीछे कौन है, स्विट्ज़रलैंड,
ठीक है, देन फ्रांस आते हैं, और फ्रांस के बाद हमारा जर्मनी का नंबर आता है। ठीक है, जर्मनी आती है, सभी एक दूसरे के पीछे पीछे, और एक यूनिटी को दर्शाती है। ठीक है, जर्मन पीपल्स के पीछे, जर्मन्स को फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलिसिया, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सभी के सभी लाइन में हैं। और जैसा कि हम बताएं, जीसस क्राइस्ट सेंट वगैरह जो है ऊपर से इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब आता है सेकेंड में, तो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट का डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है, एंड मॉडर्न स्टेट क्या होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, नेशन स्टेट का मतलब है द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप का पूरी तरह से चेंजिंग हो जाना, एंड हो जाना। ठीक है, वहीं जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सुवेरियन कंट्रोल ओवर द क्लियरली डिफाइंड टेरिटरीज, जो उसकी टेरिटरीज होगी वो डिफाइंड, जैसे इंडिया का देख लो तो इंडिया की टेरिटरीज डिफाइंड है, बॉर्डरी एकदम सिंपल है। ठीक है, वही नेशन स्टेट का एक बार फिर से दिया है जो आपको याद रखना है, विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली रूलर केम टू डेवलप एंड सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। इसके बीच दोस्तों डिफरेंस भी आता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जो यहाँ फ्लैश हो रही है आप देख सकते हो। उसके बाद इस पेज में दोस्तों जो आपका दिया है, ठीक है, व्हाट इज़ अ नेशन, ठीक है, बाय अर्नेस्ट रैनन डिफाइंड, ये डेफिनेशन भी आता है जो आपसे ये क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन फ्लैश हो रही है आप देख सकते हो, तो इसका आंसर देख सकते हैं। तो नेशन इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट इंडेवर्स सेक्रीफाइस एंड